पश्चिम बंगाल चुनावी विश्लेषण में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब की बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार, 2021 में चुनाव होने हैं, लेकिन इसके लिए सर्वे आ चुका है। क्या पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी बाजी मारेंगी, या फिर जो होता आ रहा है यानी सत्ता परिवर्तन, वो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन प्रशांत किशोर वो राजनीतिक हैं जो भी जिस पार्टी के साथ हो जाते हैं सरकार उसकी बन जाती है। दिल्ली में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए और प्रशांत किशोर का महत्वपूर्ण योगदान केजरीवाल को रहा है। प्रशांत किशोर का योगदान कह सकते ममता बनर्जी को मिलने वाला है 2021 के चुनाव में। तो क्या ओपिनियन पोल बनता है, क्या सर्वे यहाँ पर निकल कर आ रहा है पश्चिम बंगाल के लिए? यादव से पश्चिम बंगाल में काफी समय से ममता बनर्जी की सरकार है। सबसे पहले बात करते 2014 लोकसभा चुनाव की और 2019 इसके बाद 2021 के आंकड़े भी आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर टीएमसी ने 34 सीटें हासिल की, कांग्रेस 4 सीटें यहाँ पर हासिल कर पाई, भाजपा सिर्फ 2 सीटें और यहाँ पर सीपीआई 2 सीटें हासिल की। लेकिन ये 2019 के लिए क्या आंकड़े बने, राम मंदिर हो या यहाँ पर धारा 370 हो, 3 तलाक हो, या हाल ही में जो यहाँ पर नया बिल यहाँ पर पास हुआ है सीए को लेकर ममता बनर्जी इसका विरोध कर रहे हैं, और क्या इसका असर देखने को मिलने वाला है? सीए का समर्थन करते लोग के लिए भी आंकड़ा सामने आ रहा है। सर्वे के अनुसार 67% लोग इसका समर्थन करते हैं जबकि इसका विरोध करते हैं 33%, और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी इसके विरोध में रही हैं। तो क्या होने वाला है इस पर भी आंकड़े आपको दिखा देंगे। अगर आपको 2016 के आंकड़े दिखा दें, वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन हुए थे विधानसभा चुनाव के लिए, एक तरफा टीएमसी ने 212 सीटें हासिल की थी, कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी बनी, बीजेपी सिर्फ 7 सीटों पर सिमटी। लेकिन क्या होगा 2021 का चुनावी विश्लेषण, उसकी भी जानकारी आपको देने वाले हैं। अगर 2019 के आंकड़े आपको दिखा दें लोकसभा के लिए, तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं अब सबको चौंका देने वाले हैं, क्योंकि 2 सीटें हासिल करने वाली बीजेपी 2019 में 18 सीटें हासिल की, यानी 16 सीटों की बढ़ोतरी, और आने वाले चुनाव यानी विधानसभा में ये आंकड़े बढ़ने वाले हैं। ऐसे सर्वेकर्ता जो हैं, जो बड़े यहाँ पर एक्सपर्ट लोग हैं, वो यहाँ पर अनुमान लगा रहे हैं। टीएमसी की बात करें तो 22 सीटें इनको हासिल हुई, 12 सीटों का नुकसान हुआ। कांग्रेस की बात करें तो 2 सीटें और 2 सीटें पहले, और दल के लिए अगर बात करें तो 2 सीटों का नुकसान यहां पर हुआ है। एआईएमएम के अध्यक्ष यहां पर अजहरुद्दीन ओबीसी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं पश्चिम बंगाल के लिए, और मुस्लिम समुदाय कहीं ना कहीं एआईएमएम की तरफ जा सकता है, इससे टीएमसी को बड़ा नुकसान हो सकता है, ये अनुमान है। और यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में भी वोट जा सकते हैं, क्योंकि हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा सुधार हुआ है, और अगर टीएमसी और कांग्रेस और यहाँ पर एआईएम में जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ जाता है, फिर बीजेपी को फायदा होने वाला है, ये आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर मोदी जी की बात करें तो मोदी जी पर जो सर्वे किया गया है, सर महंगाई 14%, किसान मुद्दा जो है वो 15% मुद्दा बनाया हुआ है, और बेरोजगारी 32% लोगों का मुद्दा बना हुआ है। बेरोजगारी, जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा यहाँ पर प्रश्न है, और इस प्रश्न पर, बेरोजगारी पर क्या प्रश्न में लगने वाला है आने वाले चुनाव के लिए, क्या मोदी सरकार बेरोजगारी को खत्म करने के लिए क्या योजनाएं लाते हैं, ये आने वाला वक्त बता देगा। भ्रष्टाचार 12% लोगों का मुद्दा है, मंदी का दौर 10% लोगों का मानना है, महिला सुरक्षा 4%, कहीं ना कहीं बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा देश के अंदर बना हुआ है। अब आपको पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल 294 सीटों का दिखा देते हैं कि कितनी सीटें किस पार्टी को जा सकती हैं। ये कई बड़े एक्सपर्ट लोगों के आंकड़े हैं, ये आंकड़े बन सकते हैं, हालांकि अभी समय काफी है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो इस तरह से बनती नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें 16 सीटें इनको जा सकती हैं इन 294 सीटों के लिए, बीजेपी 130 सीटों पर आ सकती है, और 9 सीटें लेफ्ट खाते में, उधर के लिए अगर बात करें 4 सीटें यहां पर आ सकते हैं, और यहां पर टीएमसी को 135 सीटें आ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और टीएमसी में अब लड़ाई देखने को मिलने वाली है। ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, किस तरफ जाएगा, किस गठबंधन में होगा, क्या इसके आंकड़े बनेंगे। अगर आप इस तरह की जानकारी जानना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका ओपिनियन पोल क्या कहता है, आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में अब की बार किसकी सरकार, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।